नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैंडर्ड फोर्थ एनवायरमेंट विद अवर चैप्टर नंबर 12। नाउ कैन यू एबल टू गिव मी सर्टेन क्वेश्चंस? आपने अपने दादा दादी या मम्मी पापा से सुना है कि पहले के जमाने में क्या था, कैसा था, राइट, फैसिलिटीज कैसी थी, और नाउ इन द मॉडर्न एरा, राइट, यानी कि अभी की जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है, राइट, यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग जो डेवलप हुए हैं, हमारी फैसिलिटीज जो हमें प्रोवाइड हो रही है अभी के जमाने में, दैट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डेज। यानी कि पहले के जमाने में जो लाइफ स्टाइल थी वो अलग थी, आज के जमाने में की जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है, राइट। सो बेसिकली देर आर सर्टेन चेंजेस ड्यू टू सम न्यू इन्वेंशंस डे बाय डे। एंड आज का तो जो जमाना है वो क्या है, एवरी डे देर वॉज न्यू इन्वेंशन, राइट। जस्ट इमेजिन, बल्ब जो है, लाइट का जो इन्वेंशन हुआ था, बल्ब का जो इन्वेंशन हुआ था वो पहले के जमाने में नहीं था। पहले के जमाने में वो दिया जलाते थे, राइट। एंड फ्रॉम दैट वन ऐसा इन्वेंशन हुआ कि भाई लाइट्स भी होती है, पंखे भी होते हैं, उससे आगे ज्यादा एयर कंडीशनर। अभी का तो ऐसा है इन्वेंशन, एयर कंडीशनर वो भी कैसा पता भी नहीं चलता है, राइट। सो बेसिकली दीज आर इन्वेंशंस, राइट। पहले के जमाने लोग कैसे पढ़ते थे, पाठशाला थी, वहां पे जाके बोर्ड में ऐसे पढ़ते। नाउ द लेटेस्ट इन्वेंशन इज यू स्टडी बाय सिटिंग एट योर होम, राइट। अभी हम कैसे पढ़ रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, हम आपको भेजते हैं वीडियो, एंड यू वॉच द वीडियोज एंड यू स्टडी थ्रू दिस, राइट। कोरोना ने हमें ये भी सिखा दिया कि हम घर पे भी रह के पढ़ सकते हैं, हम घर पे भी रह के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, राइट। सो बेसिकली दीज आर चेंजिंग टाइम्स, राइट। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चेंजिंग टाइम्स, राइट, कैसे समय बीतता गया एंड वॉट हैपन, ओके। सो टेक आउट पेज नंबर 92, चेंजिंग टाइम्स। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। माय नेम इज नीला भाई। सो उनका नाम क्या था, नीला भाई। दिस इज एन ओल्ड स्टोरी, राइट, ये बहुत साल पुरानी स्टोरी है। आई वॉज अ यंग चाइल्ड एट दैट टाइम। अब पहले लाइक ओल्ड स्टोरी है, यानी कि वो बहुत साल पुरानी स्टोरी है, तो वो कैसे थे, यंग चाइल्ड थे नीला भाई, राइट। नाउ माई फादर यूज टू वर्क एज अ लैंड लेबर इन द फील्ड। अब वो क्या काम करते थे, लैंड लेबर का काम फील्ड में, यानी कि मजूर, यानी कि वो कैसे बोलते हैं, फील्ड, खेतर में जो बोलते हैं ना, वाड़ी में जो काम करते हैं, सो वो काम करते थे। नाउ आई एम स्पेंडिंग रिटायर्ड लाइफ। अभी मैं रिटायर्ड लाइफ, यानी कि रिटायर हो गए, घर पे लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंसिस ऑफ दोज डेज विद यू। अब वो जमाने के एक्सपीरियंसिस मैं शेयर करना पसंद करूंगा, वैसे बोल रहे हैं नीला भाई। नाउ अ बिग मूव, लेट्स सी व्हाट इज दैट इन द बिग मूव। दैट वॉज अबाउट 70 years ago। अब ये कितने साल पहले की बात है, 70 years ago, राइट, यानी कि नीला भाई की 70 years ago पुरानी बात है। लेट्स सी, आई रिमेंबर दैट द टाइम व्हेन आई वॉज 10 years old। अब जब नीला भाई 10 years old थे तब की बात वो याद करते हैं। दैट टाइम वी लिव्ड इन अ चांडू विलेज ऑफ अलियार, नाउ इन पाकिस्तान। अभी वो पाकिस्तान में है, पर पहले चांडो विलेज थी जो अलियार में है, वहां पे वो रहते थे। एट दैट टाइम, नाउ एट द मोमेंट ये पाकिस्तान की जगह है। एट दैट टाइम वी सफर्ड अ लॉट। वो बहुत सफर्ड, यानी कि वेल्थ वाइज वो बहुत सफर्ड करते थे, पैसे नहीं थे उन लोगों के पास। देयर वॉज लॉट ऑफ हसल एंड बसल, यानी कि बोलते हैं ना कि अप्स एंड डाउन्स, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, वैसे। देयर वॉज, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वॉज हैपनिंग, यानी कि रश का ऐसे उनको पता नहीं चलता था कि ये क्या हो रहा है, राइट।
One day father told us that we had to leave our village and move to other place. अब एक दिन उनके पापा ने बोला कि भाई हमें अब ये गांव छोड़ना पड़ेगा and we have to move to other place. यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखाया गया है, राइट, वो लोग मूव हो रहे हैं. Now I was sad to leave my village and my house. अब वो बहुत ही दुखी हो गए क्योंकि उनको अपना गांव, अगर आपको अपनी धोराजी छोड़ने को बोले जहां पे आप रहते हो और अगर वो बोले कि हमें शिफ्ट होने वाला है, होना होगा, then you get sad because you are familiar with your town, with your village and the members of your village, यानी कि जो आपके आसपास के नेबरहुड होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, उससे आप बहुत जुड़ चुके होते हैं, बॉन्डिंग हो चुकी होती है, एंड दैट्स व्हाई यू गेट सैड, राइट. वैसे ही नीला भाई भी सैड हो गए जब उनको बताया गया, अपने पापा ने बोला कि वी हैव टू लीव द विलेज एंड वी हैव टू मूव टू अनदर प्लेस. नाउ दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स. जैसे मैंने बताया ना कि आपके फ्रेंड्स कहाँ पे रहते हैं, जहां पे आप रहते हो वहां पे. नाउ वी ऑल मूव विद फैमिली मेंबर्स इन अ ब्लॉक कार्ट दैट टू स्नैच एट द बॉर्डर, राइट. यानी कि जिस देखो यहाँ पे ब्लॉक कार्ट में मूव हो रहे हैं सब लोग, तो वो लोग ब्लॉक कार्ट में मूव हुए. लास्टली वी रीच नियर ढोलवरिया एट कच्छ, ढोलावीरा एट कच्छ, राइट. वो कहाँ पे लास्टली, यानी कि वो उनकी जो डेस्टिनेशन थी ढोलावीरा, वहां पे वो कच्छ में जो है वहां पे वो पहुंच गए. मैनी पीपल फ्रॉम अवर एरिया ऑल्सो मूव. अब ऐसा नहीं था कि नीला भाई और उनकी फैमिली मूव हुई थी, बहुत सारे पीपल्स वहां पे मूव हुए थे, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हुए थे. पीपल वेर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बींग डिवाइडेड इंटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान. अब सब लोग ऐसा बोल रहे थे, नीला भाई तो बहुत ही छोटे थे इसलिए उन लोगों को तो कुछ पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, बिकॉज बच्चे होते हैं तो नहीं पता चलता, राइट. सो वैसे उन लोगों को पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, बट दे हर्ड दैट यस समथिंग इज देयर एंड आवर कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया. अब जैसे ही नीला भाई वो इंडिया में मूव हुए, वैसे ही कई लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान में मूव हुए, राइट. फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन द ह्यूज ग्राउंड ऑफ ढोलावीरा. यानी कि क्या कि कई दिनों तक, फॉर सम टाइम, यानी कि कई टाइम तक वो लोग कहाँ पे रहे, टेंट में. वो टेंट कहाँ पे था, ढोलावीरा कच्छ में जो है वहां पे था, एंड दे यूज टू स्टे इन द कैंप्स फॉर सम टाइम्स. ओके, सो आई होप यहां तक की स्टोरी सबको पता चल गई. ये स्टोरी किसकी है, नीला भाई की स्टोरी है, राइट. वो कहाँ पे रहते थे, वो टेंडो विलेज में जो अलियार अभी पाकिस्तान में है वहां पे रह रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ सम बोला ना कि वी आर कंट्री के बीच में डिवीजन हो गया, टू कंट्रीज के बीच में डिवीजन हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान हो गया, इसलिए वो उनके पापा के साथ मूव हो गए ढोलावीरा कच्छ में. ओके, एंड दे मूव थ्रू द कार्ट्स, ब्लॉक कार्ट के ऊपर वो, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे. एंड दिस इज व्हाट द स्टोरी द नीला भाई रिमेम्बर्स एंड टेल्स अस अबाउट वन इंसिडेंट. ही यूज्ड टू शेयर वन इंसिडेंट, जैसे कि उन्होंने कैसे अपना गांव बदला, क्या क्या उसके पीछे रीजंस थे उनके गांव बदलने के लिए. गांव बदल, जैसे उन्होंने गांव बदला तो ही बिकम सैड बिकॉज ही इज फैमिलियर विद दैट विलेज, राइट. एंड नाउ ही हैज टू स्टे इन द न्यू प्लेस, राइट. सो दिस इज द होल इंसिडेंट अबाउट हाउ नीलाबाई मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट. ओके, नाउ लेट्स सी अ न्यू होम. वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन खच्चरिया विलेज, दैट इज एट जयराम नगर, राइट. उनको थोड़ी सी जमीन दी गई वहां पे, कहां पे, खच्चरिया विलेज में जो जयराम नगर में है. अब वो विलेज से कुछ भी कर सकते हैं, उनको अगर घर बनाना है तो घर बना सकते हैं, अगर उनको फील्ड में काम करना है तो वो फील्ड में काम कर सकते हैं, खेती या उसकी
उनको खेती काम करना है तो वो भी कर सकते हैं, जो उनको पसंद है वो लैंड उनकी है, राइट। नाउ दे डिसाइडेड टू बिल्ड अ हाउस, उन्होंने क्या डिसाइड किया, घर बनाने के लिए डिसाइड किया। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड अवर हाउस देयर, उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी, अब वो नीला भाई जो थे वो बहुत ही खुश हो गए, हैप्पी हो गए। फादर एंड मदर वर्क्ड हार्ड टू मेक द हाउस, अब मम्मी एंड पापा उनके नीला भाई के वो बहुत मेहनत करने लगे घर बनाने में। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, उन्होंने भी हेल्प की। फादर डग द सॉइल, पापा क्या करते थे, उनके पापा नीला भाई के खुदाई करते थे सॉइल की। एंड वी क्विकली फिल द पैन्स एंड पास्ड ऑन टू मदर, एंड हम क्या करते थे वो भर के पैन में, यानी कि वो ऐसे आता है ना पैन, मेसन जो यूज करते हैं वो उसमें भर के वो ले जाते थे। सिस्टर एंड मदर मिक्स्ड हस्क इन इट, हस्क यानी कि रॉ मटेरियल्स जो घर बनाने के लिए होते हैं वो उसको हस्क बोलते हैं। तो सिस्टर एंड मदर क्या करते थे, हस्क मिक्स करते थे। फादर कंस्ट्रक्टेड द वॉल्स एंड पापा दीवार बनाते थे। वी ब्रॉट काउडंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेस, हम क्या करते थे काउडंग छाण जो बोलते हैं ना गोबर, वो नजदीक के जो घर थे वहां से लेके आते थे। मदर मिक्स इट विद द मड एंड कोटेड द फ्लोर, अब मम्मा ने उसको मड के साथ मिक्स करके कोट कर दिया फ्लोर को, नीचे का जो फ्लोर होता है ना बैठने का वो फ्लोर को कोट कर दिया, यानी कि लिपण बोलते हैं उसको, राइट। शी यूज टू से कोटिंग फ्लोर बाय दिस मिक्सचर विल कीप द इंसेक्ट्स अवे, अब पता है अभी के टाइम में पहले ये सब जो थे वो गौमूत्र देन उसका जो गोबर का वो जो फ्यूल की तरह यूज करते थे, राइट, बर्तन की तरह यूज करते थे। सो दैट इज गुड बिकॉज इन सबसे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो दूर रहते हैं, नजदीक नहीं आते हैं, राइट। सो बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंसेक्ट, तो मम्मा ने बताया कि अगर ये फ्लोर करेंगे तो इंसेक्ट से हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। नाउ इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, अब क्या हुआ छत का दीवार बना दी, देन फ्लोर बना दिया, अब टर्न किसका था छत बनाने का, राइट। फादर मेड अ फ्रेम बाय ज्वाइनिंग द ब्रांचेस ऑफ नीम ट्री एंड बैम्बूज, अब ऐसे फ्रेम बनाई, राइट, ऐसे ऐसे फ्रेम बनाते हैं उसको फ्रेम बोलते हैं। सो ऐसे उन्होंने फ्रेम बनाई, राइट, एंड किसकी यूज से उन्होंने फ्रेम बनाई, नीम ट्रीज एंड बैम्बूज, नीम ट्री का यूज करके, लकड़ियों का यूज करते एंड बैम्बू लकड़ी का यूज करके। वी पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन द एंड कवर्ड देम विद मड, अब उन्होंने क्या किया, ओल्ड गनी बैग्स जो थी हम बोलते हैं सैक्रेस में जो यूज होते हैं वो, और वो सारे उन्होंने कवर कर दिया उससे, ये जो फ्रेम था उसको कवर कर दिया। मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड अवर हाउस वेर मेड लाइक अवर्स, अब ज्यादातर घर कैसे थे ऐसे ही बने थे, जैसे कि अभी के जमाने में ज्यादातर घर कैसे सीमेंट एंड ब्रिक्स एंड वैसे बने हुए होते हैं वैसे। इट वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस, आई लाइक इट द मोस्ट, अब ये सेम टू सेम हमारा जो पुराना घर था, राइट, वो कहाँ पे रह रहे थे पुराने घर में, और अलियार में जो रह रहे थे, राइट, वहां टेंडू विलेज में, वैसा ही हमारा ये घर भी था, तो मुझे बहुत पसंद आया, राइट। तो आई होप ये स्टोरी यहां तक सबको पता चल गई है। इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल गो थ्रू फाइंड आउट एंड राइट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।